स्कैम जो पब्लिक जॉइन करने वाले हैं टू डायमेंशनल रेंडम वेरिएबल की एग्जांपल। तो देखते हैं कौन सा एग्जांपल हमको दिया गया है। तो आज हमको एग्जांपल दिया हुआ है द जॉइंट पीडीएफ ऑफ अ टू डायमेंशनल रेंडम वेरिएबल। दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, इस गिवन बाय उसके लिए फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 8/9xy। लिमिट है 1 <= y> <= 2, 1 <= x> <= y, अदरवाइज उसकी वैल्यू है 0। फाइंड करना है हमको मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ x एंड y, यानी कि दोनों के लिए अलग अलग f ऑफ x x एंड f ऑफ y y हमको फाइंड करना है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमको ग्राफ समझना पड़ेगा। इसका ग्राफ कैसा होगा? लिमिट के ऊपर से लिमिट है 1 <= y> <= 2, 1 <= x> <= y। चलिए यहाँ पे x सबसे पहले ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट वाले, क्योंकि सारी वैल्यू क्या है पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ड्रॉ करेंगे x एंड। सबसे पहले दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है? 1 1। तो एक पॉइंट हमारा हो जाएगा क्या, फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया 1 1। उसके बाद सेकंड पॉइंट y की जगह पे क्या है 2, पर यहाँ पे क्या है y, तो दोनों में दूसरा कॉमन पॉइंट क्या आएगा 2 2। तो b हमारा हो जाएगा 2 2। इन दोनों को ज्वाइंट कर लेते हैं 0 से। ये हो गई हमारी फर्स्ट लाइन। उसके बाद और एक पॉइंट कौन सा आएगा? वाई की जगह पे 2 है, एक्स की जगह पे क्या आएगा 1, यानी जब एक्स 1 हो वाई की वैल्यू क्या होगी 2, जहाँ पे यहाँ पे हमने ली है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन आ जाएगी। अगर हमको लिमिट फाइंड करनी है उसके लिए एक्स की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे एक्स के लिए 1 है, सारे का सारा वैल्यू हमको मिल गई। यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, रीजियन फॉर द ग्राफ। ये सी पॉइंट है हमारा 1 2। मान लीजिए कि हमको सबसे पहले एक्स के लिए लिमिट फाइंड करनी है। अगर एक्स के लिए करनी है तो एक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट, यानी कि लिमिट कहाँ से आएगी, 2 से लेके x तक, 2 से लेके x तक। अगर y के लिए फाइंड करनी है तो लिमिट कहाँ से आएगी, 1 से लेके y तक। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट है हमारा y में, वो x में कहाँ से शुरू होता है, 1 से, तो 1 से लेके y तक। और जो y में पॉइंट है वो कहाँ से शुरू होता है, 2 में, यानी 2 से लेके x तक, समझ गए। तो लिमिट क्या चेंज हो जाएगी, फॉर द f ऑफ x, x के लिए लिमिट हो जाएगी हमारी 2 2। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसमें हमको क्या फाइंड करना है, x। अगर हम x की जगह पे ही वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको आंसर मिलेगा नहीं, क्योंकि ये वाला आंसर किस में आना चाहिए, फंक्शन में। सिमिलरली फॉर द f ऑफ y y हमको फाइंड करना है, तो y में किस तरह से शुरू होता है, 1 से लेके y तक। तो 1 से लेके y तक, यानी कि इंटीग्रेशन 1 2 y।
चलिए दोनों की फॉर्मूला हमको पता है, फाइंड कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई। लिमिट क्या थी? इंटीग्रेशन एक्स टू टू। फंक्शन क्या था? 8/9 एक्स वाई डी वाई। 8/9 कॉन्स्टेंट बाहर लिख लिया। एक्स इंटू वाई का इंटीग्रेशन, एक्स कॉन्स्टेंट है, वाई का इंटीग्रेशन होता है वाई स्क्वायर बाय टू। लिमिट है एक्स टू टू। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाई की जगह पे पुट कर देंगे हम टू। यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फोर बचा क्या, 4/9 एक्स वाई स्क्वायर। लिमिट एक्स टू, अपर लिमिट टू यानी कि 4/9 एक्स वाई स्क्वायर यानी कि 4 माइनस वाई की जगह पे एक्स 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 स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब। तो ये हो गया हमारा आंसर 4/9 इंटू 4x माइनस एक्स क्यूब। उसके बाद सेकेंड पार्ट हमको फाइंड करने के लिए क्या बोला था, एफ ऑफ वाई वाई। सिमिलरली एफ ऑफ वाई वाई के लिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स। जब वाई आएगा तो विद रिस्पेक्ट टू हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन डी एक्स। लिमिट क्या थी, 1/2 y 8/9 एक्स वाई डी एक्स। 8/9 कॉन्स्टेंट बाहर लिख लिया, 8/9 एक्स वाई का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर बाय टू। वाई का इंटीग्रेशन नहीं होगा, लिमिट आ जाएगी 1/2 y। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट है वाई, 8/9 वाई क्यूब माइनस एक्स जगह पे 1 पुट करेगी तो क्या मिलेगा, वाई बाय टू। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, वाई से क्या करते हैं, वाई बाहर ले लेते हैं कॉन्स्टेंट तो हमको मिलेगा, यहाँ पे टू भी बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 4/9 वाई कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, बचा क्या वाई स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो गया हमारा आंसर फॉर द एफ ऑफ वाई वाई।